भाजपाइयों द्वारा लगातार कांग्रेस सरकार एवं कांग्रेसी विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वैशाली नगर की मूलभूत समस्याओं को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जोन कार्यालय का घेराव किया एवं जोन आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के जल्द निराकरण की मांग की। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन कार्यालय का घेराव करते हुए बीजेपी के पार्षद का कहना था कि महापौर और जोन आयुक्त को लगातार शिकायतें करने के बाद भी ध्यान नहीं देने की वजह से वैशाली नगर में हर तरफ गंदगी, जलभराव सहित अनेकों मूलभूत समस्याओं से लोग परेशान हैं। धरना प्रदर्शन कर भाजपाइयों ने अधिकारियों की कार्यशैली की पोल खोलने के लिए पानी भरे गड्ढे में बैठकर अपना विरोध जताया। जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत नहीं किए जाने की स्थिति में उग्र प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी भी दी। साथ ही जोन एक के आयुक्त को वैशाली नगर में व्याप्त समस्याओं को उजागर करते हुए ज्ञापन भी सौंपा। के द्वारा वार्ड क्रमांक 2 स्मृति नगर की क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हम सब आज अभी जोन कार्यालय आए हुए हैं। उससे पूर्व हम सब वार्ड 2 स्मृति नगर ईएसआई अस्पताल के बाजू में शनि मंदिर के सामने जो गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, ये समझ से परे आप सब जा के देख सकते हैं, एक तालाब रूपी मार्ग निर्मित हो गया है। वहाँ पर आए दिन क्षेत्र के नागरिकों को चोटिल होना पड़ता है, दुर्घटनाग्रस्त होना पड़ता है। कई सारे विद्यार्थी भाई बहन आना जाना करते हैं, भारी समस्याओं का सामना। थोड़ी सी बारिश में वो नाली जो है ओवरफ्लो होकर बहने लगती है और पूरे गड्ढे से बड़ी सड़क उजड़ चुकी है और भारी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। हम सब वहाँ पे बीच में उतर कर प्रदर्शन किए हैं क्षेत्रीय पार्षद मुकेश अग्रवाल जी के साथ में। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हमारे पार्षद के साथ भी अलग अलग व्यवहार किया जा रहा है क्योंकि उनका भारतीय जनता पार्टी पार्षद होना, तो निगम प्रशासन द्वेषपूर्ण तरीके से उनके साथ रवैया अपना रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूर्व में भी कई बार मुख्य नगर निगम प्रशासन को भी और जोन में भी कई बार पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन निगम के प्रशासन का रवैया उदासीन रहता है। बारिश का माहौल है, बारिश के पूर्व नालियों की सफाई हो जानी थी लेकिन आज भी नालियाँ जाम थी। नतीजा है कि सड़क जो पे जो पानी है वो सड़कों पर जा रहा है, लोगों के घरों में जा रहा है, जनता भारी परेशान है। आज हम सब मिलकर जोन आयुक्त महोदय जी के पास हम सब आज ज्ञापन सौंपे हैं और ये मांग की है कि जल्द से जल्द समस्या का निराकरण किया जाए, वरना उग्र आंदोलन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बाध्य होगी। एक वार्ड की समस्या तो विशेषकर है ही है वार्ड 2 की, लेकिन ये पूरे जोन की समस्या है। निगम प्रशासन होश में है और इस चीज़ को ठीक करे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज जो मांगे भेजी गई उसमें मुख्यतः सड़कों में जल भराव, वार्ड नंबर 2 में जल भराव की स्थिति है। अब उसको मैं पिछले बार भी देखा था और कई ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर किनारे में नाली भी नहीं है। पिछले बार जो चौहान टाउन वगैरह है, इधर उधर का एरिया है, उसमें जल भराव इसलिए हो जाता है कि लोग मनमाने तरीके से अपना मकान बना लिए, अपना हाइट बना लिए और नीचे मकान वाले को छोड़ दिए, नाली नहीं है इसलिए जल भराव की स्थिति आ रही है। इसके लिए तो हम लोग सतत कार्रवाई करते रहते हैं, अभी हमारा 3 दिन से चल भी रहा है। नाली वगैरह में नाली का भी प्रस्ताव बना के हम भेजें, 1 करोड़ 20 लाख का प्रस्ताव हमने शासन को भेजा है, यदि वहाँ स्वीकृत होकर आएगा, हमारे पार्षद महोदय भी साथ में है, वो हो जाएगा तो हम बिल्कुल उसको क्रियान्वित करेंगे। मेरे ख्याल से अगले बारिश में ये दिक्कत नहीं आएगा। भाजपा ही लगातार राज्य की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए जगह जगह धरना प्रदर्शन कर समस्याओं को उजागर करते हुए ज्ञापन सौंपकर अपना आक्रोश प्रदर्शित कर रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपाइयों द्वारा किए जा रहे इन विरोध प्रदर्शनों का क्या फायदा मिल पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।